हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और अभी चल रहे हम स्पेसर, पीछे हैं अक्षु भाई, उससे पीछे है बंटी दादा, उससे पीछे है योगी दा बाबा, उसके पीछे है अमन भाई। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। तो अभी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो यहाँ से जरूरी जो उससे हम आगे निकल पड़े हैं। ये जो ब्लॉग है मैं उसी दिन शुरू कर रहा हूँ जब मैंने लास्ट वीडियो जो एंड करी थी अपनी, क्योंकि वो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका था, काफ़ी लंबा जा चुका था, इसलिए मुझे आज सेकंड पार्ट इसका लाना पड़ा। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी जो टाइम है वो 3 बज रहे दिन के और मौसम एकदम शानदार है, हल्का हल्का आप देख पा रहे हैं कोहरा है। और यहाँ पे जंगलों के बीच में चलते हुए, जंगल तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मतलब एक अंधेरा रास्ता है। और धूप आज लगी नहीं है यहाँ पे, पीछे तो गर्मी बहुत थी लेकिन यहाँ पे बढ़िया मौसम है, ठंडा ठंडा। क्या बोल रहे हो? और काफ़ी बढ़िया फील आ रहा है। तो बाकी यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे जोड़ी जो से आगे जो मैं बात कर रहा था कि 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी जाती है और वहाँ से आगे है पैदल। तो पैदल ज़्यादा नहीं, 4.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, तो मतलब करीबन आप 1 घंटा रख दो, 1 घंटा लगेगा। लेकिन हम अभी थोड़े स्पीड में चले हैं, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, करीबन 20 मिनट हम चल चुके हैं और अब बस 30 मिनट का और रहता है, 1 घंटे का और रहता है। तो चलते आगे और करते हैं बातचीत फिर। चुके हैं आते आते, एकदम थकान महसूस हो रही है। और 40-45 मिनट हम चल पड़े ऑलमोस्ट, क्यों ज़्यादा चल पड़े शायद, और बहुत थकान है। लेकिन यहाँ पे हम 3 ही लोग रह गए, जो 2 बंदे हैं अक्षय और बंटी, वो एकदम दूसरी रफ्तार में चले हैं यार, तो उनको पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। लेकिन हम तो रेस्ट करते हैं क्योंकि हम तब से चले थे यार, थोड़ा डिसाइड किया कि चलो रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा तो नहीं रहा है, अब बस 10-15 मिनट का फासला है। तो बाकी थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं एक ढाबे पे, ठाकुर ढाबा, यहाँ पे बढ़िया है पीछे, ये देखो चिलिंग मूड ऑन। शुक्र हम टाइम पे पहुंच गए क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और अगर हम थोड़ा लेट होते तो हमें भीगना पड़ता क्योंकि छाता तो है नहीं हमारे पास। तो बाकी यहाँ पे चाय ऑर्डर करी है, यहाँ पे अक्षु भाई तो पहले पहुँच चुके थे, बंटी भी पहले पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे अभी चाय आ चुकी है अपनी, ये अपनी चाय आ चुकी है। तो अभी चाय का आनंद लेते हैं क्योंकि अब बारिश में चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है। तो गाइस हम पहुँच गए यहाँ पे स्पेसर लेक, और ये आप पीछे देख रहे हैं क्या नज़ारा है। पीछे अपने भाई लोग कंबल कुम्बल डाल के एकदम पैक, हेलमेट हेलमेट हाथ में, और बारिश हो रही है हल्की हल्की, और ऊपर देखिए चारों तरफ है लेकिन कोरा ही कोरा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या शानदार नज़ारा है, मैं आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देखिए गाइस क्या नज़ारा है। बारिश हो रही है यहाँ पे, अपने भाई लोग पैक को एकदम, और यहाँ पे अद्भुत नज़ारा, हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की ठंड, और चारों तरफ कोरा ही कोरा। तो ये देखिए भाई लोग बहुत बढ़िया, इस रास्ते से हम आए नीचे, और यहाँ पूरा कवर लगा है। तो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर है मंदिर जो हो, और यहाँ पे स्पेशली लिखा है कूड़ा कूड़ादान में ही डाले। ये यहाँ पे एक मैजिक पत्थर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अभी चलते हैं ऊपर, इधर तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अब मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा जेब में, तो मैं ब्लॉग नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन यार वाटरप्रूफ नहीं है। तो थोड़ा बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं, और हम थोड़ा कहीं देखते हैं जहाँ पे हम बारिश से बच सके, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। सर लेक के पास में, वहाँ से हम दर्शन करके आ गए हैं मंदिर से, अभी हम ढाबे में रुके हैं, यहाँ पर हम स्नैक्स कर रहे थे, मैगी वगैरह हमने खाई, और आज का जो स्टे हमारा वो भी ढाबे के साथ, यहाँ पे रूम्स हैं अवेलेबल, यहाँ पर ये सामने ही है। पहले हम टेंट लगाने की सोच रहे थे, फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने सोचा टेंट वाला प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं,
यहाँ पर रूम ज़्यादा सही है, यहाँ पर आग जलाने के लिए अंदर तंदूर भी है बढ़िया, आज फील करेंगे अंदर गर्मी। तो काफ़ी मज़ा आया आज, तो अक्षय भाई ने बताया आपको, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे बैक का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह का नज़ारा है सामने। तो ये देखिएगा इस सामने का नज़ारा, अभी बारिश हुई थी काफ़ी पहले और ये सामने एकदम बढ़िया, यहाँ भी आगे और लोगों के टेंट है और धुंध पड़ी है। यहाँ पे भाई ने कैमरा लगवाया है, टाइम लैप्स ले रहे हैं और ये सामने बढ़िया हम लोग बैठे हैं। तो बाकी देते हैं आपको अपडेट, अभी हम चाय चुई हमने पी ली है और मैगी भी अपनी हो चुकी है, तो बाकी हम अभी बैठे हैं थोड़ा चिल कर रहे हैं। तो बाकी खाना अपना यही है, आज खाना यही बन रहा है और स्टेट भी इधर ही है, तो बाकी देखते हैं अब बैठते रिलैक्स होके क्यों ये अमन भाई है बढ़िया एकदम चिल मूड में है, बोला कहते हैं हंसते जा रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, तो इट्स डे टू और अभी जो सुबह के बज रहे हैं 8, हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे 7 बजे, लेकिन हम अंदर ही बैठे थे क्योंकि ठंडा है यहाँ पे और काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। यहाँ पे अपने भाई लोग पीछे, अक्षु भाई, अमन भाई, योगी भाई, और अभी हम थोड़ा निकल रहे हैं आउटिंग पे क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना भी ज़रूरी है। थोड़ा लेक की तरफ चलते हैं और फिर आपको थोड़ा शॉर्ट दिखाते हैं। तभी अपना चाय भी रेडी है और ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में बनेगा, तो ही पहले चाय पीते हैं। अंदर बड़ी जल्दी बनता है क्यों हम बना नहीं, कल आग नहीं चलती थी लेकिन चाय दो बन गई। तो गाइज अपनी चाय आ चुकी है, अभी चाय का हील लेते हैं सुबह सुबह, फिर आपसे करते हैं, तब तक आप ये व्यू एंजॉय करो। ये देखो फील सुबह सुबह क्या मस्त नज़ारा है, इधर नीचे भी है लोगों के जहाँ हमने कल चाय पी थी, और ये नीचे वाला ढाबा है वो, यहाँ पे सामने पत्थर और यहाँ पे जो जियो का सिग्नल है काफ़ी अच्छा आ रहा है, अपना 3-4 स्टिक्स ऑफ में प्लस होगी। ये देखिए गाइस क्या शानदार नज़ारा है, चारों तरफ बादल ही बादल, ये सामने बादल का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है और इस तरफ यहाँ पेड़ पेड़, और ये देखिए सुबह सुबह अलग ही मज़ा आता है ऐसी ताजगी रहने का। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है और ये आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं बहुत बढ़िया, और पीछे मैंने लेक का दिखाया था, वो छोटी लेक है, लेक नहीं बोल सकते, वो जस्ट एक तालाब था और लेक आ गया है। लेक अब अभी जाएंगे क्यों होगी, अभी लेक जाएंगे फिर आपको लेक दिखाएंगे, तो बने रहे वीडियो पे। गाइस अपना ब्रेकफास्ट रेडी है, पराठे आ चुके हैं, चाय बन रही है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर हम लेक की तरफ चलेंगे, लेक की तरफ चलेंगे फिर आपको लेक दिखाएंगे आगे। यहाँ पे रास्ता ऑलमोस्ट बढ़िया है एकदम, यहाँ पे स्टेयर्स टाइप बनी है पत्थर की, ये देखिए, और ये सामने है लेक, ये आप देख पा रहे हैं। अभी धूप थोड़ी कम लगी है तो शायद लाइटिंग कम है एक वीडियो में, लेकिन आप देखो यार और एंजॉय करो। यहाँ पे चारों तरफ जाली लगी है कवर, और ये शायद जो जाली है मुझे लग रहा है ये अभी लगी है लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ये चीज़ नहीं थी, लॉकडाउन में यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे तो इसलिए कवर करने के लिए यहाँ पे ये लगा दी है। और ये देखिएगा इस सामने का नज़ारा, और ये सामने बैठने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सामने, और यहाँ पे है लेक और ऊपर आसमान में बादल ही बादल, उस तरह धूप लगी है लेकिन यहाँ पे धूप नहीं है अभी, तो काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। ऐसी जगह आने का अपना ही मज़ा होता है यार, यहाँ पे जो एक शुद्ध हवा मिलती है वो पूरा बॉडी और माइंड एकदम रिफ्रेश कर देती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यार पहाड़ों में आया करो, ट्रैकिंग करके आया करो, क्योंकि काफ़ी बढ़िया फील होता है, घूमो फिरो, लाइफ एक बार मिली है। और ये देखो पीछे क्या मस्त व्यू है, सुबह के बज रहे हैं अभी 10:15 और इस समय यहाँ पे धूप थोड़ी कम लगी है तो ज़्यादा बढ़िया से व्यू नहीं आ रहा होगा, अगर यहाँ पे हम दिन के 1-2 बजे आते तो शायद अच्छा व्यू मिलता क्योंकि उस टाइम लाइटिंग ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे और अच्छा लोकेशन दिखती है, बट अभी भी ओवरऑल बहुत बढ़िया है और काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। यहाँ मेरे साथ योगी भाई आए हैं और बाकी जो अपने भाई लोग हैं उधर ही बैठे हैं, उनकी एकदम
अभी हालत ख़राब है कि यार नहीं नहीं जाना है, लेकिन हम लोग वावे लोग हैं, हम तो जाएंगे और ब्लॉग बनाएंगे। क्यों तो गाइस अपनी पैकिंग हो चुकी है डन, बैग एकदम ओके और कंबल कुंबल सब ओके है, बिल्कुल हमने कर दिया पे पूरा। तो यहाँ से हम चलते हैं अब जलोड़ी ज्योति की तरफ, फिर जलोड़ी ज्योति में आपसे बात करते हैं कि अपना नेक्स्ट प्लान क्या रहता है। तो बाकी यहाँ से चलते हैं। बाकी अमन भाई बोल रहे हैं कहाँ, क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जलोड़ी ज्योत। जलोड़ी ज्योत ठीक है अमन भाई, ठीक है। तो भाई हम बैठ चुके अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ने हुए यार। हम अभी तक कितना चल पड़े यार, 3-4 किलोमीटर चल पड़े ना, 4 किलोमीटर चल पड़े हैं और पसीने से पूरे हाल। तो अभी सोचिए कि थोड़ा रेस्ट कर ले, और अमन ब्रो और बंटी ब्रो निकले आगे, ये थोड़े चढ़ने में तेज़ है यार, और हम किस टाइप के बंदे हैं। ये डायलॉग कहाँ से लिया गया, ये डायलॉग लिया गया योगी दबाव के ब्लॉग से। तो गाइस दलाल से यहाँ तक टोटल है अपना 68 किलोमीटर जो कम्प्लीट हुआ है, घर से दलाल से 10 किलोमीटर, ये देखो 68। और अब चलते हैं यहाँ से, मन भाई वगैरह निकल रहे हैं, यहाँ सामान डाल दिया है, तो ये निकले, हम यहाँ से निकलेंगे पैदल। तो गाइज हम वापस पहुंच गए वहीं पे जलोड़ी पास, और अभी हम यहाँ पे बैठे थे चाय चू पीने। तो यहाँ से हमारा जो प्लान है थोड़ा सा, अमन भाई और मेरा, अमन भाई क्या बोलते हैं, हमारा है कुल्लू जाने का प्लान, और जो बाकी लोग हैं ये जाएंगे घर, क्योंकि अमन भाई की बाइक की सर्विस भी करवानी है और थोड़ा सा काम भी है मेरा, तो हम वो निपटाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और वीडियो और प्रेस द बेल आइकन, और मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में। और यहाँ से जो आगे का कुल्लू के लिए जो जर्नी रहेगी उसमें हम नया ब्लॉग शूट करेंगे, तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, टेक केयर, अलविदा, सलाम।